मुझे मोहरों का मसला था मेरी फोर एल फोर एल फाइव डिस्क का मसला हो गया था कुछ डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आपके मोहरें ख़राब हो गए हैं कुछ ने कहा कि बहुत सारों ने कहा बल्कि कि आप सर्जरी कराओ इसका ऑपरेट करवाओ अगर मैंने नहीं करवाया मेरी कुछ मेडिसिन भी चलती रही फिर मैंने फिजियोथेरेपी करवाई जिससे मुझे काफ़ी फ़र्क लगा तो उसके बाद माशा माशा मैं बेहतर हो गई पहले वॉकर पर आई अलहमद मैं चलने लग गई हूँ बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर आप लोगों को मुहरों का कोई मसला है तो आप ऑपरेशन बिल्कुल ना करवाएं क्योंकि ऑपरेशन से बहुत सारे लोग माजूर हो गए हैं बिल्कुल और कुछ लोग ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ तीन फ़ीसद मुझे लगता है कि कामयाब रास्ता में फ़ीसद नाकाम है तो आप बिल्कुल ना कराएं अपना ट्रीटमेंट करवाएं डॉक्टर बेशक कहते रहें तो आपने अपना ट्रीटमेंट करवाना है और कुछ फिजियोथेरेपी करवाएं तो उससे इन ये मसला हल हो जाएगा मैं तकरीबन तीन साढ़े तीन महीने बेड पे थी बिल्कुल नहीं चल सकती थी हिलजुल बैठ भी नहीं सकती थी लेकिन अलहमदिल्ला अब मैं चलने लग गई हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ वालेकुम आई एम डॉक्टर राना फिजियोथेरेपिस्ट, आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और रियल केस लेके आई हूँ ठीक है जो मैंने खुद डील किया है और बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस uh, आई बहुत सारी चीज़ें जो आप देख चुके हैं रिव्यू uh, मेरे पेशेंट का कि क्या उनके व्यूज़ हैं वो पहले किस कंडीशन में थी और अब वो किस कंडीशन में हैं चले टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ सबसे पहले जो मैं केस डिस्कस कर रही हूँ ये पूरा केस है कि पहले मैंने फिज़िकल अपेरेंस उनकी आ, ये उनके फ़िज़िकल अपेरेंस थी ये इनका गेट साइकिल था गेट साइकिल के बाद थोड़ी सी जो ये पोजीशन आपको नज़र आ रही है एक साइड पे टिल्ट हो रही है ये इनकी पोजीशन थी दूसरी बात यह कि उनको हर वक्त पेन रहता था हर वक्त चलते बैठते उठते ऑल दो ए, एक टाइम ऐसा आया जब वो बिल्कुल बेड बाउंड हो गई तो वो उठ नहीं सकती थी और दूसरा जो है ये हिप का जो एरिया है इसमें स्पेशली पेन रहता था बैक में इतना ज़्यादा पेन नहीं होता था आ, आ, कूले वाली साइड पे पेन होता था और दूसरी बात ये कि टांग से रेडिएट करते करते पाँव में जा रहा था तो ये इनकी कंडीशन थी मोस्टली ऐसा होता है मोस्टली पेशेंट को शिकायत होती है आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि शटिका पेन है हमें या बहुत सारे लोग कहते हैं कि शटिका हो गया शटिका एसेज कोई बीमारी नहीं है शटिका एक नर्व होती है जो आपके बैक से निकलती है एल फोर एल फाइव से निकलती है जो हमारी डिस्क है उसके दरम्यान में एक नर्व जारी होती है जो सप्लाई करती है हमारी टांग को टांग को सप्लाई करती करती हमारे पाँव तक जाती है जितनी ज़्यादा वो प्रेस होगी उतनी ही हमारी टांग सुन रहेगी हम जैसे ही चलेंगे स्पेशली जब हम चलते हैं या बैठते हैं उस वक्त हमारी जो पाँव है वो सुन्न हो जाता है और एक आ, ऐसी सेंसेशन आती है जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं हमारी पूरी टांग के अंदर जो है टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है यानी कीड़ियाँ चलने की आपको फील आता है हर वक्त पेन रहता एम आर कराना है ताकि जो है डायग्नोसिस का पता चले कि एक्चुअल में है क्या मोस्टली ये होता है कि डिस्क बल्ज आजकल बहुत ज़्यादा लेडीज़ में जेंट्स में बहुत ज़्यादा डिस्क बल्ज का चांस होता है क्यों क्योंकि जब स्टीनोसिस हो जाता है यानी कि आपकी जो वर्टीब्राज़ हैं वो उनका गैप कम हो जाता है क्योंकि सबसे पहले क्या होगा आपकी अलाइनमेंट चेंज होगी क्योंकि हमारा उठने बैठने का तरीका बहुत अलग है बहुत डिफरेंट है हम जैसे लेटे हुए हैं हम चार चार पाँच पाँच घंटे वैसे ही लेटे रहते हैं मोबाइल यूज़ करते हैं हमारा अपर बैक जो है सबसे पहले वो डिस्टर्ब होता है उसके बाद आप, आपके सारा प्रेशर लोअर बैक पर आ जाता है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होता है वहाँ से हमारे मोरे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये कंडीशन आती है दूसरा ये कि आपके मसल जब आपके जो बैक के मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी स्पाइन के अंदर ये आप कर्व देख रहे हैं ये स्पाइन के अंदर जो कर्व है वो कर्व खत्म होना शुरू हो जाता है मसल की टाइटनेस की वजह से एक जगह के मसल अगर टाइट हैं तो वो उसको खींच के क्या करेंगे अपनी तरफ खींच लेंगे क्योंकि वो टाइट हैं और एक तरफ के ऑटोमेटिक मसल लूज़ हो जाएंगे तो ये जो जो कर्व बना हुआ है एक नेचुरल कर्व अल्लाह पाक ने बनाया है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है स्ट्रेटनिंग ऑफ द स्पाइन होना शुरू हो जाती है तो जैसे ही ये कर्व स्ट्रेट होता है आपका प्रेशर बैक पे पड़ना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से डिस्क बल्ज हो सकता है और डिस्क की बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जिसके अंदर आपकी नस दब रही होती है ना चाहते भी हैं और परेशान होते हैं कि हम कब सर्जरी करवाएं ऑल दो सर्जरी करवाने के बाद भी आपको एक्सरसाइजेस करवानी पड़ती है ऐसा नहीं होता कभी भी कि सर्जरी के बाद आप एग्जैक्ट ठीक हो जाओ और सर्जरी डिपेंड करती है आपकी कंडीशन पे मैं सर्जरी को गलत नहीं कहूँगी लेकिन ये है कि आपकी कंडीशन पर डिपेंड करती है हर केस में आपको सर्जरी अलाउ नहीं किया जाता स्पेशली जो डिस्क बल्ज होता है उसमें कतन सर्जरी नहीं करानी बिल्कुल नहीं करानी थ्री से फाइव परसेंट चांस होते हैं कुछ केसेस में जिसमें सर्जरी करानी पड़ती है स्पेशली जैसे ट्यूमर हो गया ट्यूमर ऐसे नहीं निकल सकता आपको सर्जरी करानी पड़ती है अगर कोई फ्रैक्चर हो गया डिस्क का तब आपको सर्जरी करानी पड़ती है या आपका जो है आपकी डिस्क है वो डिस्प्लेस हो गई है और अपनी जगह से हट के किसी और तरफ चली गई है पहले कोई इंजरी हुई चोट लगी आपका एक्सीडेंट हुआ और आपकी जो है डिस्क है अब इस काबिल नहीं रही कि उसको हम उसी अलाइनमेंट में एक्सरसाइजेस के थ्रू ला सकें तब हमें सर्जरी करवानी पड़ती है तो खुद इस बात को समझें मैं आपको एक रियल पेशेंट दिखा रही हूँ ये सब ने यह कहा है कि ऑपरेशन करवाएं ऑल दो सब ने यह कहा कि आपकी टांग सूख रही है और अगर आप सर्जरी नहीं कराएंगी तो इसमें करंट खत्म हो जाएगा और आपकी टांग हमेशा के लिए Uh, सुन हो जाएगी वो काम करना छोड़ देगी लेकिन आपके सामने है ये पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह ये तीन महीने बाद इनकी ये कंडीशन है थ्री मंथ्स या सिक्स मंथ ऑलमोस्ट आप जो है सॉरी uh, एटलीस्ट आपने सेशन लेने हैं ताकि आपको पता चल सके कि एक्सरसाइज से कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं फिफ्टी परसेंट या फिफ्टी uh, परसेंट या एटी परसेंट आपको फर्क पड़ेगा अगर आप एक्चुअल और अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं उसको नॉलेज है कि आपका मसला क्या है और आपने ट्रीट कैसे करना है इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ट्रीटमेंट यहाँ क्या यूज़ किया गया और सिर्फ और सिर्फ़ तीन एक्सरसाइजेज़ मैं नहीं कह रही आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज स्टार्टिंग में सिर्फ तीन एक्सरसाइजेज़ और उसके साथ साथ पेन मैनेजमेंट मैंने की है टेंस यूज़ किया गया है दो तरह से टेंस लगाया जाता है एक आपके पेन मैनेजमेंट के लिए ठीक है और दूसरा स्टिमुलेशन के लिए आप स्टीमुलेशन देते हैं जब अगर सुन है जगह सुन है तो कभी भी आप पेन का मोड नहीं लगाते स्टिमुलेशन का हम मोड लगाएंगे पूरी नर्व की डायरेक्शन पे लगाएंगे ताकि उसको स्टिमुलेशन दे सकें उसको स्टिमुलेट जैसे ही करेंगे आहिस्ता 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 वो मूवमेंट करेगी और आपको पेन Uh, होना शुरू हो जाएगा अगर आपकी कंडीशन सही की तरफ जा रही है तो आपको पेन होना शुरू होगा और पाँव में जो नमनेस है जो सनसनाहट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी दूसरी कंडीशन ये है जो मेरी पेशेंट के साथ थी मेरी पेशेंट की जो जो मसल थे वो टांग के मसल थे वो बिल्कुल सूखते जा रहे थे अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की तरफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में सबसे पहले हमने पेन मैनेजमेंट करनी है पेन मैनेजमेंट में हमारी मेडिकेशंस आ जाती हैं जो पेन किलर्स हैं और कुछ मसल रिलैक्सेंट हैं और नर्व की नरिशमेंट के लिए कुछ हमारी मेडिकेशंस होती हैं जो कि इंजेक्शन के, के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू भी ली जाती हैं उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हमारा अल्ट्रासाउंड हो गया टेंस हो गया ये बहुत ज़रूरी है पेन मैनेजमेंट में, में ये किया जाता है उसके साथ साथ हमने कुछ प्रिकॉशनस देनी होती हैं पेशेंट को कि आपने इन चीज़ों से एहतियात करनी है मसलन के आपने बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं होना बहुत ज़्यादा देर बैठना नहीं है जब भी बैठना है या चलना है तो आपने बेल्ट यूज़ करनी है सर्जिकल बेल्ट या एब्डोमिनल बेल्ट भी कहा जाता है वो यूज़ करनी है ताकि आपकी कमर के ऊपर प्रेशर बहुत कम पड़े तो वो यूज़ करनी है उसके बाद आपने ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेना है कहा जाता है कि दो से तीन महीने आप बिल्कुल रेस्ट पे चले जाएं क्योंकि ताकि आपके बैक पे लोड ना पड़े उसके बाद आपने कमोड यूज़ करना है टांगों के बल नहीं बैठना है जो जो चीज़ें हैं जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ हमने उल्टा लेट जाना है उल्टा लेट के नीचे एक कुशन रखना है नाफ के नीचे हमने कुशन रखना है ताकि आपका जो वर्टिब्राज हैं एल वन से लेके L5 एल फाइव तक जो आपकी वर्टिब्रिया हैं तो उनमें स्पेस क्रिएट हो जब स्पेस क्रिएट होगा इसको कहते हैं हम पैसिव एक्सटेंशन पैसिव एक्सटेंशन होती है तो आपकी स्पेस क्रिएट होती है और स्पेस क्रिएट होने की वजह से नर्व रिलीज़ होती है वहाँ से जो दबी हुई होती है देन आपकी सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट होती है आपने क्या करना है इसी तरीके से लेट जाना है फर्स्ट पोजिशन की तरह बस आपने दो पिलो नीचे रखने हैं और uh, लेट जाना है कुशन हो सकते हैं या पिलो हो सकते हैं बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है टांगों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है होल्ड करना है टेन से फिफ्टीन मिनट्स तक इस पोजिशन में ही रहना है एक दो या तीन दफ़ा कर सकते हैं दो दफ़ा मस्ट है लेकिन आप तीन दफ़ा भी ये एक्सरसाइज या पोजिशन को आ, दिन में कर सकते हैं खाने के बाद बिल्कुल नहीं करना है खाने से पहले करेंगे या खाने के दो घंटे के बाद करेंगे इसी तरीके से आपने लेटना है अब चलते हैं थर्ड पोजीशन की तरफ थर्ड पोजीशन में आपने साइड पे पिलो रखना है उस साइड पे पिलो रखना है जहाँ पे आपका गैप है पूरे मसल की साइड का जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था गैप है उसी तरीके से आपने साइड पर रखना है रख के यही पोजिशन बनानी है और टेन टू फिफ्टीन मिनट्स के लिए इसी तरह लेटे रहना या इससे कम भी हो सकता है फिर आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज ये एक्सटेंशन एक्सरसाइज जिसे कहते हैं डिस्पल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहले आपने दोनों एल्बो को नीचे स्ट्रेट रख के करना है और सिर्फ मूवमेंट करनी है आगे और पीछे इसी तरीके से मूवमेंट करते रहना है टेन टू फिफ्टीन रिपीटिशन के साथ आपने ये करना है और आहिस्ता आहिस्ता इस पोजीशन को बढ़ा देना है यानी पहले एल्बो को नीचे रख के किया फिर स्ट्रेट एल्बो स्ट्रेट करने के बाद किया ताकि आपकी पोजीशन को आदत हो जाए आहिस्ता आहिस्ता और कोई भी ओवर स्ट्रेच ना पड़े इसी तरीके से आपने पूरी गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाना है पीछे की तरफ झुकाना है और फिर वापस लेके आना है अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ ये है ब्रिजिंग एक्सरसाइज ब्रिजिंग एक्सरसाइज करनी है स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी एक्सरसाइज आपकी नर्व के लिए थी और ये बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए है तो दोनों पाँवों को आपने इसी तरीके से रखना है साइड पे बाजू करने हैं और कमर को ऊपर उठाना है अगर आपसे ये नहीं हो पाती है तो आप हेल्प ले सकते हैं किसी की कि आपके कमर को उठाएं सबसे पहले मिनिमम आपने पाँच सेकेंड के लिए होल्ड करना है और पाँच ही रिपीटिशन करनी है फिर आहिस्ता आहिस्ता होल्ड भी बढ़ जाएगा दस सेकेंड के लिए कर दें और रिपीटिशन भी बढ़ा दें तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी आप इस पर अमल कीजिएगा बहुत सारे जो डिस्क के केसेस हैं उससे ज़रूर इनको फ़ायदा होगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों का भी फ़ायदा हो सके अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें अब मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज।